हाँ जी नमस्कार सभी को। हेलो हाय, राम राम, कैसे हो आप सभी। सीईटी एग्ज़ाम को लेकर बड़ी अपडेट आई है। एनटीए ने मांगी है लिस्ट। क्या लिस्ट मांगी है एनटीए ने, इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगली वीडियो का नोटिस आप सभी तक जरूर पहुंच सके। हम जॉब से जुड़ी जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर लेके आते रहते हैं। सीईटी एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट मांगी है एनटीए ने, इसकी पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। क्या खबर आई है इसके बारे में। एनटीए ने फॉर्मेट में मांगी एग्ज़ाम सेंटरों की जानकारी। जो एनटीए है उसने सीईटी एग्ज़ाम को लेकर फॉर्मेट में मांगी है एग्ज़ाम सेंटरों की जानकारी। सीईटी को लेकर डीसी साहब पूरे सतर्क हैं और एग्ज़ाम सेंटरों की जांच कर रहे हैं और उनकी अब लिस्ट मांगी है एनटीए ने फॉर्मेट के हिसाब से। आयोग के सदस्य जिले में पहुंचे, दो दिन में भेजेंगे डिटेल। जो आयोग के सदस्य हैं वो जिले में पहुंच चुके हैं और दो दिन में भेजेंगे जानकारी। जो सीईटी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सेंटरों की जानकारी दो दिन के अंदर भेज दी जाएगी। नवंबर में होने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एनटीए ने फॉर्मेट में जानकारी मांगी है। फॉर्मेट में जानकारी भेजने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की टीमें विभिन्न जिलों में पहुँच गई है। यह जानकारी उन 1200 सेंटरों को लेकर दी जाएगी जिनमें 5 व 6 नवंबर को सीईटी होना है। जो आपका सीईटी एग्ज़ाम होना है 5 और 6 नवंबर को, उसकी तैयारी पूरे जोरों से चल रही है। इसमें प्रमुख रूप से नज़दीक का रेलवे स्टेशन, अस्पताल, पुलिस थाना आदि की जानकारी मांगी गई है। जो एनटीए है उसने रेलवे स्टेशन, अस्पताल, पुलिस थाना आदि की जानकारी मांगी है ताकि एग्ज़ाम के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना सामने आए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया है कि टेस्ट को लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। यह परीक्षा करीब 1200 सेंटर पर होनी है। इनमें लगभग 3500 सेंटर चंडीगढ़ के भी हो सकते हैं। जो चंडीगढ़ में एग्ज़ाम सेंटर बनाने हैं उसकी भी तैयारी चल रही है। एनटीए ने कहा है कि चंडीगढ़ में भी एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाए। परीक्षा को लेकर सभी जिलों में आयोग की टीमें गई जो संबंधित जानकारी जुटा रही है। यह जानकारी 2 से 3 दिनों में एनटीए को भेज दी जाएगी ताकि परीक्षा को लेकर तैयारी हो सके। जो सीईटी की तैयारी है पूरे तेज़ी से चल रही है, ये आप सभी के लिए बड़ी जानकारी है। जो एनटीए है उसने फॉर्मेट के हिसाब से लिस्ट मांगी है। जो एग्ज़ाम सेंटर है उनकी लिस्ट मांग ली है और एचएसएससी ने आयोग के सदस्यों जिलों में भेज रखे हैं और दो दिन का टाइम मांगा है एनटीए से कि दो दिन में लिस्ट भेज देगा। ये आप सभी के लिए बड़ी खबर थी। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद।